हमीरपुर के अपर बाजार में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर खराब होने से पिछले 5 दिनों से हजारों लोग दिक्कतें झेल रहे हैं। वहीं सर्वर को जल्द ठीक न करवाए जाने की सूरत में व्यापारी वर्ग से लेकर आम जनता बैंक के चक्कर काटते हुए परेशान हो गई है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला प्रबंधक भी गेट पर केवल मात्र पोस्टर चिपकाकर इतिश्री करने में लगा हुआ है, जिस कारण पिछले 5 दिनों से लोगों को लेन देन के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। बैंक की ढीली कार्यप्रणाली के चलते जरूरतमंद लोगों को मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है। सर्वर खराब होने से ट्रेजरी से संबंधित कोई भी सरकारी काम नहीं हो पा रहा है, जिससे करोड़ों रूपए का लेन देन का काम ठप पड़ा है। बैंक के अधिकारी प्यारेलाल ने बताया कि बैंक का सर्वर 2 बार खराब हो चुका है और इसे अब जल्द ठीक करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वर के खराब होने से बैंक से कोई भी लेनदेन का काम नहीं किया जा रहा है और दूसरी शाखा से ही लेनदेन का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही बैंक सर्वर को ठीक करवाया जा रहा है। फिलहाल सर्वर की प्रॉब्लम है, तो ये पहले 20 तारीख को खराब हुआ था, उसको ठीक किया गया, उसके बाद ठीक कर दिया था उसको। 24 को दोपहर बाद चला था, 25 का पूरा दिन चला था, उसके बाद 26 से लेकर आपका तो सर अल्टरनेट क्या रखा हो, कैसे दाम चलाया? अल्टरनेट निचली गांव से शाम किया हमने, कहा वहाँ से चलो। तो अब कब तक संभालना है? कल तक। एक महीने में 2 बार बैंक के सर्वर खराब होने से बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल लग रहे हैं, क्योंकि इस तरह बार बार सर्वर के खराब होने से हजारों लोग दिक्कतें झेल रहे हैं। वही जरूरी काम के लिए भी दूसरे बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो ट्रेजरी का सारा काम प्रभावित होकर रह गया है।